हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एकदम फर्स्ट क्लास। और गाइस, आज का ये जो ब्लॉग है ये स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो ये है हिल व्यू ढाबा, तो ढाबा है ये। अभी हम बिलासपुर जा रहे हैं, और बिलासपुर क्यों जा रहे हैं वो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अटित भाई के साथ, जो कि अभी कैमरा होल्ड किए हुए हैं। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पर हिल व्यू ढाबा में। तो यहाँ पर अभी हमने चाय ऑर्डर की है, तो चाय का मज़ा ले लेते हैं। चाय की खुशियाँ लेते हुए अभी वीडियो कॉल करते हैं स्टार्ट और चलते हैं मासी मुड़ा भाई के घर। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हिल व्यू ढाबा, और यहाँ पर है हमारे अर्पित भाई। हेलो। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया मस्त। तो भाई, अभी भाई हमें लेके जाने वाले हैं, क्योंकि भाई की बाइक में जाएंगे हम, तो भाई लेके जाएंगे हमें। तो अभी हम जा रहे हैं हिमाशी मुंडा भाई के घर। तो एक्साइटेड हो? फुल। आप? मैं तो हूँ भाई, पहली बार जा रहा हूँ, और भाई तो पहले जा चुके हैं। और अभी यहाँ पर कबूतर भी हैं, तो दिखाते हैं आपको, देखते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। भाई अभी इन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट भाई नाकाम होते हुए। और यहाँ पर आप देखते हैं दो हैं, और वहाँ पर इनका सेट है वो आप देख सकते हैं। और ये भाई ने पकड़ लिया है, क्या हुआ? काट रहा है, काट रहा है। तो दोस्तों देखिए, अभी कबूतर पकड़ा गया है। यहाँ पर है कबूतर, और इसका नाम चमन है। हाँ, इसको उठाते हैं, पर ये बड़ा है, ये काट सकता है। चलो। हाँ। तो दोस्तों अभी बाइक यहाँ पे खड़ी करी है, और ये व्यू देखिए आप एक बार, ये व्यू देख लीजिए। ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, अभी बिलासपुर के पहाड़ भी देखेंगे आगे चलते चलते आपको। यहीं पे जाएंगे अभी हम। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू है। और इस जो कैफे का नाम है बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है, और बहुत सोच समझ के, हिल व्यू कैफे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हिल है, हिल का व्यू, और यहाँ पर है कैफे। तो यहाँ पर नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई, बता दो। ये पेड प्रमोशन नहीं है, फिर लोग कमेंट लिखते हैं कि भाई कितने पैसे लिए? मैंने 10 रुपए दिए हैं। मैंने भी चाय दिए, पर अभी मैंने चाय नहीं पी हुआ भाई, ठंडी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुत्ते भी हैं, ये आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। हेलो हेलो पपीज, भाई तीन है, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और आउट साइड है। मेरी फोटो आने दे। वाओ यार, घुंघरू डाले इनको, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस अभी चलते हैं, यहाँ पे हो गए हैं एंजॉय जितना होना था। चलो अभी गाइस, अभी जो है अभी अंधेरा होने वाला है, शाम के 6:30-7 बजने वाले हैं। और अभी हम यहाँ से निकले नहीं, अभी हैं हम, ये कौन सी जगह भाई? अनु चौक है ये। तो अभी यहाँ पर गोलगप्पे वाले भाई हैं, तो गोलगप्पे खाएंगे। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो चलिए खाते हैं और चलते हैं फिर भाई के घर। गाइस यहाँ पर गोलगप्पे जो है वो लगना स्टार्ट हो गए हैं, और अभी भाई ने बोला कि जितने खाने हो उतने खा सकते हैं, फ्री हैं। खाते हैं और चलते हैं फिर। सो गाइस अभी हम जा रहे थे रास्ते में, और आप देख सकते हैं ये मोड़ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। यहाँ पर मुझे देखिए ऊंट, ये आप देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है, और बड़े अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है, और इस पर सवारी करते हैं लोग। ये देखिए आप, ऊपर बैठने के लिए भी लगा है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं भाई, क्या करना है अभी? चाँद दिखाओ। चाँद तो मैंने दिखा दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी जूम तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि स्टेबलाइजेशन मोड पे है ना फ़ोन। तो अभी कितने बजे पहुँच जाएंगे हम? मुश्किल है, हम बड़े दूर हैं। हाँ, वो अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, वो अलग डिस्ट्रिक्ट है, वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ऊँट। अभी आपका अंधेरे तो भी साथ में लेके चला ये। हाँ, ये पौड़ी इस पर चढ़ने के लिए ना। और नीचे आप देखिए, नीचे का व्यू अभी यार, अभी रात होने वाली है, अगर रात में होती तो व्यू तो अल्टीमेट है यहाँ का। सो दोस्तों अभी हो गई है सुबह, और सुबह का नज़ारा यहाँ से कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। हम रात को पहुँच गए थे, बट थकने के कारण फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और अभी यहाँ का आपको एक सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं, बहुत अल्टीमेट व्यू है यहाँ से। Thank you.
सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं, ये है भाई का पुराने घर, ये है यहाँ का किचन, और अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं नीचे काम वगैरह करते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है और हमने ब्रेकफास्ट किया है हमारी हिमाचली ट्रेडिशनल डिश के साथ। तो अभी यहाँ पर बनी थी मक्की की रोटी जो कि हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा मतलब खाई जाती है और बहुत अच्छे मतलब बहुत ही टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। भाई आपको कैसी लगी? टेस्टी लगी, बहुत टेस्टी थी यार। और अभी यार आप में से जितने लोग नहीं जानते हैं हिमाचली मुंडा को तो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं और मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे, और पहाड़ी अरपित को भाई नहीं जानते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिल जाएगा। सो गाइस अभी यहाँ पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और अगला जो ब्लॉग है वो आने वाला है जगराते का। तो यहाँ पर जागरण है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर जागरण होने वाला है, तो बहुत सारे सिंगर आएंगे, बहुत सारे लोग, तो उन सभी से मिलवाएंगे जो भी हमारे लेवल के होंगे मीटअप करने वाले, तो उन सभी से मिलवाएंगे आपको, और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो उसको जरूर देखना। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और हाँ एक बात, यहाँ की जो लैंग्वेज है ना वो मेरी समझ से बाहर है, अगर मेरे से कोई हिंदी में बात करेगा तो मेरे को समझ आ रही है, और भाई को तो भाई पूरी समझ आ रही है, बट मेरे को नहीं आ रही यार पता नहीं क्यों, बट मतलब थोड़ी डिफरेंट लग रही है 104 किलोमीटर में यार, इतना डिफरेंस तो होता ही है। तो गाइज अभी करते हैं यहाँ पर ब्लॉग को एंड, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बेल आइकन को भी और पर सेट कर लेना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। छुनकुआ गाना इन्होंने गाया हुआ है। हेलो दोस्तों, कांगड़ी मुंडा है और बहुत ही अच्छा बंदा है, और यहाँ पर सीवी दीदी जी बोलिए।